हमने आपको बताए थे दाऊद इब्राहिम के 35 नाम। नहीं, 35 नहीं, पिछली बार मैंने आपको सिर्फ बताए थे 34 नाम। तो इस बार गणतंत्र की बात में दाऊद इब्राहिम का वो 35वां नाम जो अब तक आपको पता नहीं चला। दाऊद इब्राहिम के बारे में दुनिया भर की बकवास, दुनिया भर का सच दोनों मिलता है। पिछले काफ़ी लंबे समय से दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सारी ऊटपटांग खबरें भी आ रही हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम के बाएं पांव में गैंग्रीन हो गया, फिर अगले दिन उसका बाया पांव कट गया, फिर अगले दिन उसकी मौत हो गई। कभी वो कराची के अस्पताल में किडनी का इलाज करवा रहा होता है, कभी उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने की खबर आ जाती है। मुंबई जो मेरी किताब है उसके आवरण पृष्ठ पे आपने दाऊद इब्राहिम का जो चित्र देखा है, जो तस्वीर देखी है, वो कराची में उसके घर के अंदर की है। वो अपने घर के अंदर मोइन पैलेस की जो स्विमिंग पूल है उसके सामने खड़ा हुआ है, ये वो तस्वीर है। और उसमें जो शक्ल उसकी दिखाई दे रही है वही शक्ल उसकी आज भी है। ये बात हम दावे से कह सकते हैं क्योंकि हम जो भी खबर करते हैं इंडिया क्राइम में वो पूरे तथ्य जांच परख कर करते हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में पिछले काफ़ी समय से ये भी एक बात कही जा रही है कि बस दाऊद इब्राहिम को तो अब कान पकड़कर हिंदुस्तान ले आएंगे, कानून के कटघरे में खड़ा कर देंगे, यहाँ की जेलें उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और यहाँ की अदालतें जो हैं बस उसको फांसी की सजा ही सुना देंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 3 दशकों से दाऊद इब्राहिम इस देश की खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, सबको चकमा देते आ रहा है, पूरे विश्व को चकमा देते आ रहा है। ठीक है, इस बारे में लोग ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक होस्टाइल नेशन की सरपरस्ती में जी रहा है, इसलिए उसको बचाना आसान है। लेकिन कई इस मुद्दे में सवाल खड़े होते आए हैं, उन मुद्दों पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। दाऊद इब्राहिम के साथ में छोटा शकील, जो कि आज की तारीख में डी कंपनी का सेनापति है, और दाऊद इब्राहिम को बम कांड करवाने के लिए मुंबई के 12 मार्च का जो बम कांड था वो करवाने के लिए उकसाने वाला जो असली गुनहगार है मुंबई बम कांड का, मुश्ताक मेमन यानी कि टाइगर मेमन, वो भी कराची में है और अंडरवर्ल्ड में, खासतौर से वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड में उसने नशा तस्करी में काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है, वो भी बड़े आराम से वहाँ रह रहा है। अंडरवर्ल्ड में करीब करीब आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो गिरोह है डी कंपनी, उसके 50 से ज़्यादा लोग आज भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आराम से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शहर हैं वहाँ आसपास के जहाँ पर उनके कामकाज चल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का तो खैर कामकाज पूरे पाकिस्तान में बड़े आराम से चल रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों में या विश्व के अन्य देशों में भी उसका काम बहुत मज़े से चल रहा है। टाइगर मेमन भी नशा तस्करी में काफ़ी आगे तक जा चुका है। इन लोगों को भी आज तक हमारी पुलिस या हमारी खुफिया एजेंसियां उनके बारे में कुछ नहीं कर पाई हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सारी बातें आज भी चल रही हैं। दाऊद इब्राहिम का जो गिरोह है वो बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में, चीन में कहाँ नहीं मौजूद है। दाऊद इब्राहिम के जो हमने नाम बताए थे आपको, 34 नाम, 35 नाम, इसके पहले वो सारे के सारे उसकी आइडेंटिटी छुपाने के टूल बने हुए हैं। लेकिन इन दिनों उसका एक नया ही नाम डोंगरी इलाके में सुनाई दे रहा है और ये जो नया नाम है वो नाम है बड़े हाजी। बिल्कुल सही सुना आपने, बड़े हाजी। हाजी साहब नाम जो है उन 35 नामों की फहरिस्त में ज़रूर शामिल था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हाजी साहब के साथ ही साथ में उसका असली में आज की तारीख में जो नाम चल रहा है वो बड़े हाजी। अब पूरे देश में या पूरे विश्व में जितने भी लोगों ने हज किया है उनमें उम्रदराज जितने भी नागरिक हैं उनको सबको बड़े हाजी कहा ही जाता है अमूमन, लिहाजा कभी कोई फ़ोन पे बड़े हाजी के नाम से बात करेगा तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बात दरअसल दाऊद इब्राहिम के बारे में हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि बड़े हाजी के साथ में एक छोटे हाजी भी है और वो छोटे हाजी है छोटा शकील। चूंकि गिरोह में बड़े हाजी दाऊद इब्राहिम है और वो नंबर वन पर है, तो नंबर टू पर बैठा हुआ उसका सेनापति कहलाता है छोटे हाजी। इंडिया क्राइम में आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इंडिया क्राइम के पोर्टल indiacrime.com पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यूज़लेटर मिलते रहें और आप हमारी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होते रहें रोज़ाना। तब तक के लिए नमस्कार।